24 घंटे की बारिश ने आज बेंगलुरु की सूरत बदलकर रख दी। जिस शहर को देश की आईटी कैपिटल और भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वो शहर कैसे आज डूबने लगा, इस रिपोर्ट में देखिए। शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। सड़क पर सैलाब के बाद ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। रिहायशी इलाकों में तालाब बन गए और घरों में पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर बोट तक चलानी पड़ी। सजापुर रोड पर ये रेनबो ड्राइव बेहद पॉश अपार्टमेंट इस लोकैलिटी है, ये इसके माना जाता है। और इस पूरी लोकैलिटी के अंदर में कुल 432 फ्लैट हैं। अब तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रहने वालों की संख्या कितनी है। लेकिन कल रात की जो बारिश है उसके बाद यहाँ का हाल बेहाल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैनरा बैंक और जो दुकानें हैं वो सभी लगभग आधे से ज्यादा पानी के अंदर में चली गई हैं। और इससे भी ज्यादा पानी जो लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर में है, यानी कि जो पानी है वो 5 से 6 फीट है। जिन लोगों के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हुआ वो रातों रात यहाँ जगह को छोड़ करके भागे। और सुबह से लगभग 50 से 60 आदमी जिनको कि काम पे जाना था उन्हें बाहर निकाला गया। और वैसे लोग जो यहाँ पर से जल्द निकल जाना चाहते हैं क्योंकि अंदर में रहने की स्थिति बेहतर नहीं है। बारिश के कहर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विप्रो समेत कई बड़ी कंपनियों के दफ्तरों तक भी पानी पहुंच गया। इस वक्त मैं सरजापुर रोड पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे दाहिने तरफ देश की नामी आईटी कंपनी विप्रो का ऑफिस है और उसका ये मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं भीतर तक किस तरह से पानी घुसा हुआ है और यहाँ पर कितनी मुश्किलें हो रही है। दरअसल ये मुख्य द्वार है, यहाँ से होकर के जो कर्मचारी अंदर जाते हैं, पर आज ये पूरी तरह से पानी से ब्लॉक है। भारी बारिश की वजह से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मतलब साईं कृपा विस्ता और रेनबो ड्राइव का एक रास्ता कनेक्टेड है, तो रेनबो ड्राइव के लोगों ने मुझे हेल्प किया था। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया रेनबो ड्राइव पे। वहाँ से जो इमरजेंसी पिकअप है वहाँ पे एक बोट लगा हुआ है, तो बोट के थ्रू वो लोग आ जा रहे हैं, तो बोट के थ्रू फिर मैं आई। मैंने अपनी गाड़ी 5 किलोमीटर दूर एक जगह रोड पे छोड़ के चल के मुझे आना पड़ा। वैसे काफी सारे एम्प्लॉइज ये तरफ में गाड़ी छोड़ के आए हैं। मेरे को तो पूरा वो फुटपाथ पे गाड़ी चला कर आना पड़ा, इतना ट्रैफिक था तो आ ही नहीं पा रही थी मैं। ये तस्वीरें मराठा हल्ली इलाके की हैं, जहां एक शख्स पानी में डूबने लगा तो वहीं पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैलाब में फंसे शख्स को किस तरह रेस्क्यू किया गया। यानी कुछ घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और लोगों की जान पर बनाई। बेंगलुरु के रिंग रोड समेत कई पॉश इलाकों में भी पानी भर गया। जल भराव से लोग परेशान होते दिखाई दिए। बारिश के बाद जल भराव से जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए उनमें मराठा हल्ली, कोरमंगला, बेलांदूर, सरजापुरा रोड, व्हाइटफील्ड, बाहरी रिंग रोड और BEML लेआउट शामिल हैं। बेंगलुरु के मराठा हल्ली के स्पाइस गार्डन इलाके में 2 व्हीलर्स पानी में तैरते नजर आए। स्पाइस गार्डन से व्हाइट फील्ड तक पानी भरने के चलते सड़क को बंद करना पड़ा। ये पहला मौका है जब पॉश इलाकों में भी पानी भर गया। ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु में 24 घंटे में ही बारिश का दौर शुरू हुआ है। राज्य में जून से ही तेज बारिश हो रही है। कर्नाटक में 1 जून से अब तक कुल 820 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश के कारण राज्य के 27 जिले और 187 गांव प्रभावित हुए हैं। जून से अब तक बारिश से 7600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बीते हफ्ते भी बेंगलुरु में भारी बारिश हुई थी। रविवार को हुई बारिश ने एक बार फिर हालात बिगाड़ दिए। ऐसी स्थिति में पुलिस ने बेंगलुरु के लोगों को बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।
वहीं जिन इलाकों में पानी भरा है वहां हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं बेंगलुरु के सजापुर सिग्नल पे हूं। आप देख सकते हैं कि इस तरफ यहां पर जो है इस पूरी सड़क को जो है पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि आगे में जो है पानी है और इस वक्त पानी के निकासी का काम चल रहा है। क्योंकि सड़कों पर जो है ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है और ऐसे में काम करने में परेशानी हो रही है, इसलिए पूरी ट्रैफिक की टीम को लगाया गया है ताकि जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके और जिस जगह पर पानी लगा हुआ है उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। बेंगलुरु में फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन शहर के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका जताई है। कर्नाटक के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोडांगु, शिवमोगा, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलूर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है। यानी आने वाले दिनों में एक बार फिर बेंगलुरु में आसमान से आफत बरस सकती है। फिलहाल 24 घंटे की बारिश ने ही शहर के इंतजामों की पोल खोल दी है। कुछ घंटों की बारिश में ही प्रशासन नाकाम साबित हुआ है और आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।